वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटेक P555। फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस साल का ये मेरा पहला वीडियो है। हमारे सभी व्यूअर्स को नया साल मुबारक। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस बैटरी से आपको ऑटोमेटिक लाइट बनाना बताएंगे। इसमें सिर्फ हम एक रिले और एक 1N4007 डायोड यूज करेंगे। ये लिथियम बैटरी हम एक वीडियो में बनाए थे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। इसको हम खोल लेंगे। ये देखिए, ये लिथियम बैटरी है और इसमें यहां से दो वायर निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें छेद कर देंगे, एक यहां पे होल करेंगे इस जगह पे। ये देखिए फ्रेंड्स, होल करने के बाद इसमें से ये दो वायर हम निकाल लेंगे। ये दो वायर निकाल लिए। अब इनको कनेक्ट करना है, ये जो फीमेल सॉकेट है इसके पॉइंट जो इधर निकले हैं दो, यहाँ पे कर देंगे और पॉजिटिव इस जगह पे, पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे रेड वायर कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये रिले यहाँ पे लगाएंगे। रिले लगाने के लिए हम इसको ग्लू से यहाँ पे चिपका देंगे। रिले आराम से यहाँ पे चिपक जाएगा, ये देखिए। अब इस रिले के साथ एक हम डायोड लगाएंगे 1N4007। इसको कैसे भी लगा सकते हैं। देखिए, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। जो कॉयल वाले टर्मिनल हैं उस पे लगाना है। ये साइड वाले कॉयल के टर्मिनल होते हैं, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम डायोड लगा दिए हैं। ये डायोड जरूर लगाना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। सिल्वर लाइन की तरफ पॉजिटिव जोड़ दिए हैं, जिधर सिल्वर लाइन नहीं उधर नेगेटिव वायर जोड़ दिए हैं और यहीं से हम नेगेटिव वायर आउटपुट के लिए निकाल लिए हैं, ये देखिए। और जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है यहाँ से हम पॉजिटिव आउटपुट लेंगे और एक वायर और जुड़ेगा जो कॉमन वाला पॉइंट है। ये देखिए, जो कॉमन वाला पॉइंट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से कनेक्ट करके हम इस रिले के कॉमन वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। कनेक्शन बहुत इजी है, कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक है। ये दोनों आउटपुट के वायर हो गए। इसमें हम ये प्लेट कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। ये डीसी 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और इसका पॉजिटिव वायर पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे, ऐसे नेगेटिव इसमें कनेक्ट कर देंगे ऐसे ही। ये देखिए, इसमें पावर सप्लाई नहीं आ रही है इसलिए जल गई। और फ्रेंड्स देखिए, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम इस टाइप की पावर सप्लाई लेंगे। ये SMPS पावर सप्लाई है, बहुत अच्छी पावर सप्लाई होती है और इससे लिथियम बैटरी ख़राब नहीं होती है। और इससे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर जितनी मर्जी चाहे उतनी वोल्टेज। तो यहाँ पर ये वेरिएबल लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी होता है। यहाँ से AC इनपुट देंगे, देखिए ये यहाँ पे लोड है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे अर्थिंग दे सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव DC निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव DC निकलेगा। ये देखिए, पॉजिटिव के वायर हम कनेक्ट कर लिए हैं आउटपुट के। यहाँ पे हम DC पिन लगा देंगे इसमें कनेक्ट करने के लिए, इस बैटरी में। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पावर सप्लाई होती है, ये लिथियम बैटरी चार्जिंग के लिए बहुत अच्छी है। चलिए हम इसमें आउटपुट के वायर में
डीसी पिन कनेक्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डीसी पिन है, इसको ऐसे खोलेंगे और इसमें जो बड़ी लेग दिख रही है आपको ये वाली, इसमें हम नेगेटिव वायर कनेक्ट करेंगे और छोटी वाली में पॉजिटिव। तो सबसे पहले इसको हम इसे यहाँ निकाल लेते हैं ऐसे, फिर इसको हम सोल्डर करते हैं। देखिए इसको सोल्डर करने के बाद इसको हल्का सा प्लास से दबा देंगे वायर, तो ये निकलेगा नहीं ऐसे। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे। ये देखिए डीसी पिन कंप्लीट हो गई। अब इसको हम इस बैटरी में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ऐसे ही। अब हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सेटअप लगा लिए हैं। देखिए इसमें लाइट भी आ गई है, ये देखिए ग्रीन लाइट यहाँ पे चल रही है, और जैसे इसको ऑफ करेंगे वैसे ये लाइट पैनल वाली जल जाएगी, ये देखिए। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे स्विच लगाना, तो इसके आउटपुट पे यहाँ पे स्विच लगा देंगे आप यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं दिन में ना जले तो यहाँ पे स्विच लगा देंगे, तो ये दिन में नहीं जलेगी। जब मन चाहेगा तब आप इसको जला सकते हैं, और रात में ऑन रखिएगा तो लाइट जाते ही ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी, ये देखिए। और आप इसको एक बॉक्स में फिट कर लीजिए, बहुत आराम से इसको कहीं ले भी जा सकते हैं, और कहीं आप इसको बाहर भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसमें बहुत कम कंपोनेंट लगाए, केवल हम रिले ही लगाए हैं और एक डायोड और पावर सप्लाई, ये बनी बनाई आती है, आप खरीद सकते हैं। बैटरी बनाना आपको हम सिखा ही दिए वीडियो में, और इसके साथ आप 12 वोल्ट की कोई भी लाइट लगा सकते हैं, बहुत आराम से इससे जल जाएगी। और ये जो बैटरी है लगभग इसका बैकअप 50 घंटे है। अब देखिए जैसे लाइट जाएगी वैसे ये लाइट ऑन हो जाएगी, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, जैसे लाइट आएगी ये वाली लाइट बंद हो जाएगी, जैसे लाइट जाएगी वैसे इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाएगी। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी टाइप के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बाय बाय।